धन्यवाद। क्या कहेंगे जीत पे? ये जीत इंडिया लाइंस ने जो कुशासन के खिलाफ संघर्ष किया और तमाम, मैं समझता हूँ कि चुनाव की जीत यहाँ की आम जनता की जीत है, उन इंडिया लाइंस के नेता कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है और जो संघर्ष की जीत है, मैं समझता हूँ जिस तरह से 14 और 19 में भारतीय जनता पार्टी ने और उसके अलायंस ने क्लैन स्वीप किया था कि पहली बार बराबरी का हिस्सा हुआ और वो संघर्ष का है, क्योंकि शेखावाटी आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद आम जनता में जब भी तकलीफ आई है संघर्षों में सबसे अग्रणीय रोल अदा किया है और अभी भी इस तानाशाही सरकार के खिलाफ निश्चित रूप से चुनावी जंग में संघर्ष किया। जो भी कुशासन में किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, कोई वर्ग छोड़ा नहीं, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए दो व्यक्तियों की सरकार थी और दो कंपनियों के लिए सरकार थी, केवल और केवल उनके लिए, मुनाफे के लिए सब योजनाएं उनके लिए थी। जो भी वायदे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे 2014 में, जिनके आधार पे देश की जनता ने उनको 30 साल के बाद किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत दिया था, और एक दफे नहीं दो दफे दिया था, लेकिन एक भी वायदा पूरा नहीं किया। और अफसोस इस बात का है कि पुलवामा को हुए 5 साल से ज्यादा हो गया, 2019 के चुनाव में हुआ था, 5 साल में अभी तक जांच करके सरकार ने नहीं बताया कि इतने भारी मात्रा में आरडीएक्स किस तरह से आई, किसकी गलती रही और किस तरह से 40 जवानों की शहादत हुई और उसके लिए कौन सी गलतियां थी। मैं समझता हूँ देश का जम्मू कश्मीर का राज्यपाल जरूर कुछ क्ल्यू दिया है, लेकिन 5 साल में देश की सरकार ने देश की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ हुआ उसकी जांच करके आज तक नहीं दी है। तो न केवल खिलवाड़ किया है बल्कि देश के जवान और देश की सुरक्षा के साथ अग्निवीर जैसी खतरनाक योजना, इस देश की सुरक्षा के साथ और देश के जवानों के साथ जो देश का जज्बा इस शेखावाटी में है, राजस्थान में है, तो वीरों की धरती है, निश्चित रूप से बहुत बड़ा खतरनाक काम किया है। जबकि 2 करोड़ को नौकरी और काम देने की बात करते थे, किसान को आमदनी दूनी करने की बात करते थे, एनडीए और इंडिया गठबंधन में अभी इस तरीके से बीएसई है, सीएसई है, इस तरीके से भी नीतीश कुमार है, एनडीए से भी डेट करवा सकते हैं, क्या लग रहा है? अभी ये तो है कि भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा क्या आता है। एनडीए में तो जो भी 7 दल हैं, समझता हूँ कोई भी रहेगा नहीं अगर भारतीय जनता पार्टी को 272 नहीं मिलेगी, इससे तो दूर ही है, 272 से दूर है, दूर है तो डूबती नैया से चूहे भी कूद जाते हैं, इंडिया का एक भी नहीं रहेगा। और जिस तरह से तानाशाही की है, जीएसटी आने के बाद पूरे देश का टैक्स 90% देश की सरकार के पास जाता है और राज्यों का हिस्सा वो देश की सरकार देती है, उसमें जिस तरह का भेदभाव किया है, इसलिए कोई भी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहा। सभी है, जिसकी जितनी हिस्से भागीदारी, जितनी हिस्सेदारी, हर तरफ से उन्होंने तो जनगणना को भी बाहर रखने का काम किया है।
क्या नीतीश कुमार पे कुछ दाव कर सकते हैं, नीतीश कुमार छोड़ सकते हैं, आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? भाई ये तो अभी दिल्ली में होगा, दिल्ली में इंडिया गठबंधन की मीटिंग 1 तारीख को हुई थी और उन्होंने एस्टिमेट किया था कि लोगों की मिलने से भावनाओं से 295 है, अभी संपूर्ण रिजल्ट आएगा कितनी आती है। भारतीय जनता पार्टी को मैं ये कह सकता हूँ कि 272 नहीं आएगी भारतीय जनता पार्टी को, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं बन सकता। कौन छोड़ने वाले कौन कौन होंगे सबसे पहले? भाई जो इनके साथ थे, जब भारतीय जनता पार्टी अछूत पार्टी थी, जब शिवसेना और अकाली दल उनके साथ थे, उन सबको मिटाने का काम किसने किया? इसी नरेंद्र मोदी ने किया है, उसके दो पार्ट करने का काम। नीतीश कुमार वो पलटू राम कभी भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। वो तमाम इंडिया गठबंधन के दल बैठ के तय करेंगे, वही हो जाएगा। पीएम की कोई लड़ाई नहीं है और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी तो वो है जो पीएम बना रहे थे 96 में, उसको भी ठुकराया, इसलिए पद के लिए सीपीएम और न इंडिया गठबंधन का कोई दल है ऐसा दावा करता है निश्चित रूप से। ममता बनर्जी कब?